हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज भारती पांडे एंड वेलकम टू आपकी study.com। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। हम नंबर सीरीज कर रहे थे, आज हम नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर करेंगे और इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कुछ सवाल आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे, चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला हमारा सवाल है 12, 43, 95, 167 देन मिसिंग नंबर। यहाँ पर डैश दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या होगा हमें बताना है। तो हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन भी दिए हुए हैं ए बी सी डी। ठीक है, हम पहले इस सीरीज को ध्यान से देखते हैं कि इससे ये सीरीज कैसे बना हुआ है। अगर हम फर्स्ट डिजिट को देखे तो कुछ समझ में आ रहा है, 1, 4, 9, 16, मतलब ये स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, ये क्या है 1 का स्क्वायर, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ फर्स्ट में क्या आना चाहिए, 5 का स्क्वायर, क्योंकि हम ऑप्शन में देख पा रहे कि 25 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट जो है वो किसी का स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 25। उसके बाद यूनिट में क्या है इसके, 2, 3, 5, 7, ये कैसे इंक्रीज कर रहा है, 2, 3, 5, 7, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7। ये देखकर हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये प्राइम नंबर हो रहे हैं। तो 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा, 11। क्या आएगा 7 के बाद, 11 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी 25, 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 6, 15, 35, 77। अगर हम इसे यहां से यहां कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 6 का दुगुना कितना होता है, 6 का दुगुना होगा 12, मतलब 12 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 12 के बाद 13, 14, 15, 3 ज्यादा है। हम इंटू 2 + 3 कर सकते हैं, 6 × 2 + 3। अब यहां पर क्या हो रहा है, अब 15 से यहां पर दुगुना कितना और ज्यादा है, 15 का दुगुना क्या हो गया, 30 हो गया, और 30 से और 5 ज्यादा है, मतलब 15 × 2 + 5। यहाँ पे प्लस 3 हुआ, यहाँ पे प्लस 5, फिर यहाँ इंटू 2 हम करते हैं, 35 × 2 हो गया 70, 35 × 2 कितना आ गया 70, और उसमें कितना ज्यादा आ रहा है, 77 है, तो प्लस 7, मतलब इंटू 2 सभी में हो रहे हैं, हम मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं और ऐड कैसे कर रहे हैं, 3, 5, 7, तो 3, 5, 7। उसके बाद हम देखते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं, 7 के बाद 9 होगा, 9 भी हो सकता है। अगर ऑड नंबर देखें तो ऑड नंबर देखें, क्योंकि यहां पर 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा था। नंबर 1 में क्या हो रहा था कि 2 था, फिर 3 था, फिर 5 था, इसलिए हम ऑड नहीं कह सकते, इसे क्या कहेंगे, प्राइम कहेंगे। तो प्राइम से हमने यहाँ 11 लिखा, लेकिन यहाँ कैसे हो रहा है, प्लस 3 + 5 + 7, तो यहाँ कहीं ना कहीं प्लस 9 होना चाहिए, ऑड नंबर्स ले रहे हैं। तो 77 × 2 करते हैं तो हमारा क्या आता है, 154, कितना आएगा हमारा 154। अब इस 154 में हमें 9 ऐड करें, तो 9 ऐड करके हमारा क्या आएगा, 163 आ जाएगा। तो हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में क्या है हमारा, 163 है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर हो जाएगा 163, ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया 163। कैसे हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से तो सभी में मल्टीप्लाई हो रहे, जो फर्स्ट नंबर है उससे 2 में मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद प्लस 3 हुआ, फिर जो नंबर आया उसमें 2 से मल्टीप्लाई होके प्लस 5 हुआ, फिर 2 से मल्टीप्लाई होके प्लस 7 हो रहा है, और फिर 2 से मल्टीप्लाई होकर के प्लस 9 हो रहा है। मतलब कैसे एडिशन कैसे बढ़ रहा है, एडिशन हमारा बढ़ रहा है और नंबर्स के एडिशन बढ़ रहा है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी 163। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड में हमारा क्या है, 3, 8, 27, देन व्हाट इज, और फिर 5, 6, 5। तो हमें ये बताना है कि यहाँ क्या होगा। ये क्या है 3, 8, 27, तो 3 से हम 3 का दोगुना कितना हो गया, 6 हो गया, 6 से कितना जाता है, 2 जाता है, तो इंटू 2 प्लस 2 हो रहा है। क्या हो रहा है, इंटू 2 प्लस 2। फिर अगर हम इसका देखें तो ये 16 के अराउंड नहीं आ रहा है, ये कितना के अराउंड आ रहा है, 8 मल्टीप्लाई 3 करते हैं हम तो 24 होता है, तो उसके आसपास कहीं ना कहीं आ रहा है, क्योंकि हम अगर इंटू 2 यहाँ करें तो काफी गैप है, इंटू बहुत ज्यादा ही डिफरेंस फिर और बचा रहेगा, तो हम यहाँ पर इंटू 2 नहीं इंटू अगर 3 करते हैं तो 24 हो गया, फिर और कितने चाहिए, तो और चाहिए प्लस 3। तो कुछ समझ में आ रहा है, जितना मल्टीप्लाई उतना ऐड, जितना मल्टीप्लाई उतना ऐड हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 27 इंटू, यहां पर फिर हो जाएगा ऑप्शन, हम अगर हम देखें तो यहां पर क्या हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 से करके देखते हैं तो एक एक करके इंक्रीज कराते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से ऐड भी हुआ, फिर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 से ऐड भी हुआ, तो हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं और 4 ऐड करते हैं, चेक करते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, तो 27 इंटू 4 करते हैं तो ये हो जाएगा, ये हमारा होगा 108, और उसमें हम अगर 4 ऐड करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 ऐड करते ही हमारा आ जाएगा 112। तो हमारा 112 ऑप्शन में सबसे पहले है, ए है हमारा 112, तो हमारा फिर हम चेक कर लेंगे 112 हो गया। अब हम चेक करते हैं इतना आता है कि नहीं, तो 112 में क्या मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, 4 किया है, तो 5 मल्टीप्लाई और प्लस 5, तो 112 से हम अगर 5 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आता है, 560 होना चाहिए। 112 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा, यस ये हो जाएगा 560, सॉरी हाँ ये हो जाएगा 560। अब इसमें और क्या करना है, हमें 5 ऐड भी करना है, तो 5 और ऐड करके हमारा क्या आ रहा है, 565, तो 565 है हमारा, मतलब हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 112 आएगा, तो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, 112 आ गया हमारा। कैसे आ गया हमारा 112, तो फर्स्ट में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से ऐड भी किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 का एडिशन भी हुआ, फिर यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 का एडिशन भी है, 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5 का एडिशन आ रहा है, तो हमारा सीरीज बिल्कुल सही चल रहा है, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए 112। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है 15, 24, फिर डैश 30, 26, 33, 45। तो हमें यहाँ पे सीरीज में ये मिसिंग नंबर्स क्या हैं, ये हमें निकालना है। तो हमारा दो मिसिंग नंबर है, इसमें क्या है, एक यहाँ भी और एक यहाँ भी, हमें दो निकालना है। तो क्या हो रहा है, 15, 24, फिर मिसिंग है, फिर 30, 26। ये कैसे बढ़ रहा है, आप देखो अगर हम यहां से एक सीरीज बनाए और यहां से एक और सीरीज बनाते हैं तो हमारा क्या आता है, हम ऑप्शन से देखते हैं, तो हमारा यहाँ पर पहले ये लगाकर देखते हैं कि इससे सही आता है कि नहीं, हम सारे ऑप्शन से चेक करेंगे, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो हमारा क्या है 20 है, तो अगर यहाँ पर 20 होता है तो ये क्या आ रहा है, तो 15 में और कितना ऐड करने से 20 आ गया, तो प्लस 5
ऐड करने से 20 आ गया, फिर 20 में और प्लस 6 ऐड किए तो 26 आया, और 26 में हम और 7 ऐड किए तो हमारा क्या आ गया 33। तो पहले 5 ऐड हुआ, फिर 6, फिर 7, यहाँ नीचे क्या हो रहा है 24 में 30 कितना ऐड करेंगे तो हम 6 ऐड करेंगे, 6 ऐड करते हैं तो हमारा 30 आता है, और अब हम कितना ऐड करना पड़ेगा, हमें 7 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या होना चाहिए 37। तो एक ये है जो 20 और 37 दोनों एक साथ मैच कर रहा है तो हम इसे यहाँ फिट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे, फिर 37 में और 8 ऐड करना चाहिए तो 8 ऐड करने से 45 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए 20 और 37। कैसे हो गया, यहाँ 15 से 5 ऐड हो रहा है, फिर 6 ऐड हो रहा है, फिर 7 ऐड हो रहा है, ठीक उसी तरह इसमें भी 6 ऐड हो रहा है, फिर 7 ऐड हो रहा है, फिर 8 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये सीरीज ऐसे बढ़ रहा है, इसमें दो सीरीज है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए 20 और 37, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है 51 53 59 61 67 69 देन 10। तो ये बहुत ही कम इंक्रीज हो रहा है, हम क्यों ना सबसे पहले डिफरेंस निकाल कर देखते हैं। तो 53 और 51 का डिफरेंस निकालेंगे, तो 51 से 53 कितना जाता है तो 2 जा रहा है, मतलब 51 में 2 ऐड करने से क्या आ गया 53 आ गया। 53 में हम 6 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा 59। यहाँ पे कितना ऐड होगा, 6 ऐड हो रहा है तो हमारा 59 आ रहा है। अब 59 में फिर हम 2 ऐड करते हैं तो 61 आ रहा है, और फिर 61 में हम फिर से 6 ऐड कर रहे हैं तो 67 आ रहा है, और 67 में 2 ऐड कर रहे हैं तो 69 आ रहा है। तो ये सीरीज कैसे बढ़ रहा है, प्लस 2 हो रहा है, फिर प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2, अब क्या होना चाहिए प्लस 6, तो हम 69 में 6 ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा 75, और हमारा आंसर क्या आ गया ऑप्शन सी आ गया हमारा 75, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल था, आप मेरे वीडियो को पॉज करके सारे सवाल को खुद से सॉल्व किया करिए, तब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो पाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है 25 216 49 512 81 10 मिसिंग नंबर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ के बाद अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हुआ, फिर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तो दो सीरीज चल रही है, साथ ही साथ यहाँ पे इसके साथ अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाना, मतलब ये किसी का क्यूब हो सकता है, क्या हो सकता है, किसी का क्यूब हो सकता है। तो 25 तो हमें पता है, 25 49 भी हम बता सकते हैं और 81 भी। 25 देखकर हमारे ध्यान में क्या आएगा, हमारे ध्यान में आएगा ये 5 का स्क्वायर है, क्या है ये है 5 का स्क्वायर, और फिर 49 हो गया 7 का स्क्वायर, 81 हो गया 9 का स्क्वायर, देन ये तो यहाँ आएगा, इस सीरीज में नहीं आ रहा है, तो इसे हम देखें दूसरे वाले को, ये फिर यहाँ पर हमें पता चलेगा। तो ये किसका क्यूब होता है, 216 किसका क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। इसलिए मैं कहती हूं कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, स्क्वायर ये लर्न होना चाहिए, क्यूब्स का भी ध्यान रखना होगा और प्राइम नंबर का भी ध्यान रखना होगा, इन तीनों का नंबर सीरीज में बहुत रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए आपको आप जितना जल्दी लर्न कर लो आपके लिए नंबर सीरीज उतना ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये 6 का क्यूब होता है, उसके बाद ये किसका क्यूब होता है, तो ये होता है 8 का क्यूब। तो हम देख पा रहे हैं ये सीरीज कैसे चल रहा है, या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, देन 11 का स्क्वायर करके बढ़ रहा है, या फिर हाँ ये हो रहा है
और दूसरा सीरीज हो रहा है 6 का क्यूब और फिर 8 छोड़ करके 8 का क्यूब, फिर यहां पर क्या आना चाहिए 10 का क्यूब। या फिर हम अगर इसे दो सीरीज में ना देखें, पूरे को एक ही सीरीज में देखते हैं, तो ये हमारा कैसे चल रहा है, ये हमारा चल रहा है पहले 5 का स्क्वायर, फिर 6 का क्यूब, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 8 का क्यूब, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 10 का क्यूब, फिर 11 का स्क्वायर, फिर 12 का क्यूब, ऐसे करके बढ़ रहा है। तो यहां पर नंबर क्या आएगा, यहां आएगा हमारा 10 का क्यूब। 10 का क्यूब क्या हो गया, ये तो बहुत ही आसान है, 10 का क्यूब हो गया 1000। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी 1000। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।